हेलो एवरीवन, ज्ञान यज्ञ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी के लिए अच्छी खबर है कि 4 साल बाद एक बार फिर व्यापम राज्य पात्रता परीक्षा कराने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे न्यूज आर्टिकल जो कि दैनिक भास्कर के द्वारा प्रकाशित है, 4 साल बाद होगी व्यापम से राज्य पात्रता परीक्षा। जी हाँ, इससे पूर्व 2019 में राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि CGSET आयोजित किया गया था और उसके बाद 1384 पदों हेतु सहायक प्राध्यापक की वैकेंसी निकली थी और भर्ती हुआ था PSC के द्वारा। एक बार पुनः 4 साल बाद फिर से CGSET होने वाला है और इस बार भी 19 विषयों में होगा। और इसके तुरंत बाद जैसे ही राज्य पात्रता परीक्षा होती है, CGSET की परीक्षा होती है, इसके तुरंत बाद कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के लिए 2000 से अधिक पदों की फिर से भर्ती होगी। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए यह अच्छी खबर है कि फिर से उनके पास कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक बनने का एक सुनहरा मौका है। तो बिल्कुल आप अब नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, जल्द ही व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ की जा सकती है परीक्षा हेतु। इससे पूर्व 2019 में परीक्षा हुआ था और फिर सहायक प्राध्यापक की भर्ती हुई थी। आपको बता दें कि एक बार पुनः इसी तरह की कुछ खबरें सामने आ रही है। जैसे ही आरक्षण से संबंधित कुछ मामले क्लियर होते हैं, व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी उम्मीद शीघ्र ही है। तो आप जो भी स्नातकोत्तर कर चुके हैं या स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में हैं, बिल्कुल आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि CGSET से संबंधित कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी गई हैं। यदि आपको उन वीडियोस को देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस न्यूज़ में या फिर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।